बार झूठ बोल के निकल गए। विवेक देबरॉय, भारतीय आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष, वो क्या लिखते हैं लेख में कि देश का संविधान बदल देना चाहिए। क्या आज बाबा साहब जीवित होते तो वो ये सोचते, वो ये महसूस करते कि किसके हाथ में मैंने ये संविधान दे दिया। आज देश क्या कहते हैं कि देश का संविधान बदल देना दे, उन्होंने लेख लिखा है उन्होंने, और कब माफी मांगी? देश के प्रधानमंत्री को ऐसे पार्टी से निकाल देना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को, विवेक देबरॉय को माफी मांगनी चाहिए। संविधान की माफी मांगी है? आजादी के 70 साल बाद कश्मीर में भारत का संविधान नहीं लागू था क्या? संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर से माफी मांगेगी? कांग्रेस दुमुहा साहब है। बाबा साहब अम्बेडकर को पहली चीज तो मैं, अरे खड़ा रहो चुपचाप, अरे एक मिनट, बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं। दोनों लोग बाहर जाएंगे, चलिए बाहर चलिए बाहर। जी जनाब, मैं पहले तो 10 सेकंड लूंगा। बाबा साहब अंबेडकर को लेके जो इतना ये कांग्रेस वाले छाती पीटते हैं ना, बाबा साहब अंबेडकर को 1951 में बॉम्बे नॉर्थ सेंट्रल से, 1954 में भंडारा से चुनाव इन्होंने हरवाया था कांग्रेस के लोगों ने, नेहरू जी ने चुनाव हरवाया। संविधान सभा का सदस्य नहीं बनने दिया था बाबा साहब अंबेडकर को, जब उन्होंने कहा कि हम संविधान सभा में नहीं आएंगे, तब मजबूरी में गांधी जी के कहने पर उनको बनाया गया था। एक बात, दूसरी बात, डायनेस्टी ऑफ पॉलिटिक्स की बात करते हैं, अनुराग ठाकुर के अंदर दम है, चुनाव लड़के आते हैं। राहुल गांधी के अंदर दम हो अगर मम्मी से बिना भीख मांगे चुनाव जीत के आ जाए, बताएं वो। अगर हुड्डा के अंदर, हुड्डा जाते हैं हरियाणा के अंदर तो कहते हैं हुड्डा बनेगा, उनका बेटा बनेगा, दलित की बेटी शैलजा नहीं बनेगी चीफ मिनिस्टर। ये इनका डिस्क्रिमिनेशन होता दलितों को लेके। ये बात करते हैं आम आदमी वाले पार्टी वाले, मतलब कि ये 15 लाख की ये बनाते हैं, रिमोट कंट्रोल से टॉयलेट सीट खोलते हैं, 1.5 करोड़ का पर्दा बनाते हैं, और उसका वैगनवार का वादा करके और छोटे से घर का वादा करके 40 करोड़ का सीस महल बनाते हैं, उसमें आके रहते हैं, और शीला दीक्षित का लेके फाइल। मैं आया भैया, कहाँ से आना हुआ? राजस्थान, जोधपुर। अच्छा, तो एक काम करेंगे, मेरा क्या नाम है? भंवर प्रजापति। बहुत अच्छा नाम है भंवर जी। वो रस्सी वो दिख रही, थोड़ा उधर आ जाए। ना उधर आओ, पीछे। मनोज, मैंने जो कहा भंवर जी, नहीं पीछे, चुनाव लड़ना है क्या तुम्हें भंवर? अरे लड़ चुके हम तो। हाँ, तभी हारे हो, जमानत आने लग रहे हो, जमानत जब्त। जी गर्ग साहब, वेरी क्विक। जी, मैं ये कह रहा हूँ, मैं इतनी देर से इन चारों लोगों की बात सुन रहा हूँ, परिवारवाद की बात तो बहुत पीछे चली गई है। देखिए, ये बात तो ठीक है, जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उन पर एक सिंगल परिवार का वर्चस्व है, चाहे कोई भी हो, चाहे लालू यादव की पार्टी हो, चाहे अखिलेश यादव की पार्टी हो, या साउथ की कोई पार्टी हो, लेकिन मेरे को लगता है कांग्रेस ने यह आरोप अपने ऊपर से हटा लिया है। कांग्रेस के पास 10 साल सत्ता रही, राहुल गांधी सांसद रहे, लेकिन वो प्रधानमंत्री या कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनने आए, ना ही उन्होंने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी उन्होंने उस डायनेस्टी से बनाया। ये बात ठीक है कि इंडायरेक्टली उनकी चलती है, लेकिन मुझे लगता है इस परिवारवाद के नाम पर तो पूरा देश में इश्यू उठाना बेकार है। लेकिन दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, देश में दो तरह की विचारधारा चल रही है। जो एक विचारधारा जिसने पिछले 60 साल तक शासन किया तृप्तिकरण की, वो क्या करते हैं कि अल्पसंख्यकों को तृप्तिकरण करिए, तुष्टिकरण करिए, और उसके बाद आप अपने को जाति में बांट के लीजिए। लेकिन अब दूसरी बात जो विचारधारा है राष्ट्रवाद की, जो अब पिछले 10 साल से चल रही है, मुझे लगता है प्रतीक जी, भारतीय डीलर पार्टी हमको ज्ञान दे रही है, जिस पार्टी के नहीं। अरे भाई, फिर आपको दिक्कत होगी। फिर देखिए, आप अगर व्यक्तिगत किसी पार्टी के नाम पे व्यक्तिगत तौर से करेंगे, कौन सा डीलर है, कौन डीलर पार्टी है, कौन डीलर? नहीं, देखिए, चलो डीलर शब्द में नहीं, वो तुरंत आप कहेंगे, तुरंत कहेंगे कि कसम खाई थी आपने, वो तुरंत वो कहेंगे। हाँ जी, देखिए, चलो डीलर शब्द आपके कहे मैं नहीं बोलता, मेरे कहने से नहीं, अपनी अंतरात्मा से, अपनी अंतरात्मा से बोलिए। प्रतीक जी, देखिए, निष्कर्ष क्या निकलेगा, जो देश की संपन्न करके देश को ऊंचा करने की बात करके आए थे, उस पार्टी ने रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, सेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, सब कुछ, खदाने बेची, सब कुछ बेच दिया। क्या बनाया इन्होंने? आज देश में कर्ज बढ़ा दिया इन लोगों ने। जब देश के युवा नौकरी मांगते हैं, कहते नौकरी आपको नहीं मिलेगी, नौकरी मिलेगी अमित शाह के बेटे को, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उनके बच्चों को नौकरी मिलेगी। बताएं क्या काम किया, बोलते हो यही नारा? अरे राग अपना अब हो गया, ये सिविल डिफेंस वालों को रोजगार दिए आम आदमी पार्टी वालों, आज तक धक्के खा रहे हैं। बस के जो है कंडक्टर, वो बेचारे धक्के खा रहे हैं, बुजुर्ग धक्के खा रहे हैं, इनके पास कुछ कहने को नहीं रखा। ये झूठे लोग, 200 करोड़ रुपया हर साल मिलता है उनको, जमुना जी का साफ कराई कर लिए, आज तक 1 रुपया नहीं खर्च किया। ये भ्रष्टाचारी लोग, भ्रष्ट आदमी। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ साहब, इस देश में देशवासियों ध्यान से सुन लो, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी विकल्प है इस देश के लिए कि वही भारत को विश्वगुरु बना सकती है। ये परिवार वाले जीवन भर हमारे साथ सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति। अब्बास साहब, समाजवादी पार्टी, रुको,
बबर साहब नहीं, बबर साहब नहीं। देखिए यहाँ मैं सभी लोगों को संबोधित करना चाहूंगा और बड़े विनम्र भाव से कहूंगा कि आज देश में कितनी समस्याएं हैं, कोई समस्याओं के पीछे कोई ध्यान नहीं दे रहा, सिर्फ जो है अपना अपना उल्लू सीधा करने वाली बातें हो रही हैं। सरकार जो है रोजगार देने में विफल रही है, सरकार महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं कर रही है, सरकार जो है देश में अमन शांति की बात नहीं कर रही है, सबको एक ऐसा जहर दे रही है सांप्रदायिकता का कि देश का नौजवान जो है वो रोजगार नहीं ढूंढ रहा। आज देश का नौजवान जो है सड़कों पे धक्के खाता घूम रहा है, उसके लिए ना कोई रोजगार है ना उसे कोई किसी तरह की सांत्वना देने वाला है। राइट 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 एक मिनट, मैं आया बड़े आराम से आ जाऊंगा। जी, अभी परिवारवाद और परिवारवाद की बात हो रही थी, परिवारवाद और वंशवाद में बड़ा अंतर है। परिवारवाद हर पार्टी में है लेकिन वंशवाद वो कांग्रेस में है, जिसपे पीढ़ी दर पीढ़ी मुखिया हमारा ही होगा, जैसे अखिलेश यादव लालू यादव, ये है वंशवाद और परिवारवाद में बड़ा अंतर होता है। राइट, एक मिनट, क्या हुआ हाल, क्या चक्कर है, क्या चक्कर क्या है, चुपचाप नहीं हल्ला रही है, हल्ला नहीं मचाए, वैसे ही तो बहुत ज्यादा हल्ला। जी एक मिनट खड़े रहिए, कहाँ से आना हुआ? हाँ जी, रतलाम से आए, बहुत अच्छी बात। क्या नाम है आपका? प्रधानमंत्री आवास योजना में मिल गया घर? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है प्रधानमंत्री जी। मैं रिपोर्ट किया करता हूँ। जी जी जी, मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि परिवारवाद वंशवाद इसने पूरा देश के अंदर जहर घोल के रख दिया। बार बार बात करते हैं अमित शाह जी के बेटे को, अरे भाई वो ICCC के अंदर गए हैं, चेयरमैन बने, चुनाव के चेयरमैन बने हैं। आप गंत राजू सुख जिला कमेटी से सुनो, देखो जिला कमेटी जहाँ पे, अरे मेरी बात सुनो, नहीं तो मैंने तो तुमसे पूछा था जिला कमेटी में आ जाओ जी। उसके बाद में आप जब आपके अंदर क्षमता नहीं होगी, इनके अंदर क्या है कि इनके सारे मंत्री, मतलब देश के अंदर कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी होगी 10-20 नेता उसके भ्रष्ट होंगे। आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी जिसके सारे के सारे नेता भ्रष्टाचार में, पाठशाला बनाने का वादा करके आए थे, मुख्यशाला बना के बैठ गए, हर नेता इनका जमानत पे है। इनकी वर्तमान मुख्यमंत्री ऑलरेडी क्या कहते हैं कि गोवा के अंदर दारू राइट टेक इट अप। देखिए जगदीश धनखड़ साहब को मैं कल सुन रही थी, कह रहे हैं बड़ा नया ट्रेंड चल रहा है विदेश में जाने का। महामहिम उपराष्ट्रपति जी, महामहिम उपराष्ट्रपति जी कह रहे हैं कि मैंने तुरंत कहा महामहिम है उपराष्ट्रपति, संवैधानिक नहीं, संवैधानिक पद है, मैंने बोल दिया चेयरमैन है, ये सम्मान करेंगे, संसद में बुला लेते उद्घाटन के लिए, क्यों नहीं बुलाया? आज आपको समस्या थी, आदिवासी महिला को समर्थन नहीं दिया इन्होंने राष्ट्रपति बनने।